नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर असित अरोरा, प्रिंसिपल कंसल्टेंट GI एंड HPB ऑंको सर्जरी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत। आज हम बात करेंगे कोलन और रेक्टम, बड़ी आंत और उसमें होने वाले कैंसर के बारे में। कोलन होता क्या है? कोलन एक्चुअली बड़ी आंत है जो करीब 5 फीट लंबी होती है और इसके आखिरी हिस्से को हम रेक्टम बोलते हैं। इसमें होने वाले कैंसर्स शरीर में होने वाले सबसे कॉमन कैंसर्स में से एक हैं। अगर आप देखेंगे ये विश्व में होने वाले टॉप 5 कैंसर्स में से एक आता है। कोलन और रेक्टम की जो अंदरूनी लाइनिंग होती है उसमें कुछ पॉलिप्स डेवलप होते हैं और ये पॉलिप कई सालों में धीरे धीरे उसमें एबनॉर्मल सेल्स कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। अगर हम इनको इग्नोर करेंगे तो ये कैंसर सेल्स धीरे धीरे बढ़ते हुए लिम्फ नोड्स तक पहुंच जाते हैं और अगर इनको समय रहते ट्रीट नहीं किया गया तो यही सेल्स ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी के बाकी हिस्सों में भी फैल सकते हैं। सो पॉलिप से कैंसर का जो सफ़र है इसमें सालों लगते हैं और इस दौरान अगर हम इनके सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करें तो हम इन कैंसर को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। इस कैंसर के मुख्य लक्षण हैं बाउल हैबिट्स में इरेगुलरिटी होना, लैट्रिन में खून आना या काले रंग की लैट्रिन आना, भूख कम लगना, वेट लॉस होना और लेट स्टेजेस में पेट का फूलना या उल्टी आना। इस कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसमें स्मोकिंग, अत्यधिक अल्कोहल का इंटेक, मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आपकी फैमिली में अगर कोलन कैंसर की हिस्ट्री है तो आप ज़्यादा रिस्क पे हैं कैंसर के। और अगर आपको कुछ कोलन की बीमारियां हैं जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस तो आप ज़्यादा रिस्क में आते हैं। ऐसे किसी भी पेशेंट को जो कि हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं या आप 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो कोलन और रेक्टल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए हम एडवाइस करते हैं जिसे हम कोलोनोस्कोपी द्वारा करते हैं। इस कैंसर का प्रमुख इलाज ऑपरेशन द्वारा किया जाता है लेकिन अगर ये कैंसर लेट स्टेजेस में पकड़ में आता है तो हमें ऑपरेशन से पहले कीमोथेरेपी या रेडिएशन से कैंसर को श्रिंक करना होता है और फिर हम ऑपरेशन करते हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली ये कैंसर एकदम लास्ट स्टेजेस में आता है जिसे हम स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं तो इसका इलाज सिर्फ कीमोथेरेपी द्वारा ही किया जा सकता है। इस कैंसर के ऑपरेशन के लिए दूरबीन की पत्ती जिसे हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं और आजकल कुछ समय से रोबोटिक सर्जरी स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन चुकी है। इससे हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, पेशेंट्स की हॉस्पिटल स्टे को हम कम कर सकते हैं और रिकवरी बहुत बेहतर होती है। कोलन कैंसर में पिछले कुछ सालों में करीब 1 से 2 दशक में बहुत ही ज़्यादा एडवांसेस हुए हैं और आज की डेट में कोलन कैंसर का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। इनफैक्ट इन स्टेज 4 कैंसर्स भी नई कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के चलते हुए पेशेंट्स काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। किसी भी कैंसर की तरह सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम कैंसर को शुरुआती दौर में पकड़ सकें और उसका इलाज जितनी जल्दी से जल्दी हो सके शुरू कर पाएँ। इसीलिए अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप उसे इग्नोर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। और अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं या आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो आप अपनी कोलन कैंसर की स्क्रीनिंग कराएं। थैंक यू।